पूरे देश भर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक उत्साह सा माहौल है, वही कुछ राजनीति करने वाले लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, इसमें राम मंदिर के ना ही हमारी पार्टी विरोध में है, ना ही हमारी पार्टी सुप्रीमो विरोध में है। हमारे माननीय पार्टी सुप्रीमो सनपमला मुकेश सैनी जी भी 4 महीने पहले ही, जब हम लोग की रथ यात्रा थी, उस दौरान अयोध्या गए थे साहब, और वहां जाके रामलला का उन्होंने दर्शन भी किया है। अब इन्होंने टीवी पे इंटरव्यू भी दिया है कि हम लोग राम मंदिर के विरोध में नहीं है। देखिए, हमारा देश में हर धर्म को मानने वाले लोग हैं, और हमारे देश में अधिकतम जो संख्या है वो सनातनी धर्म के लोग की है। मैं भी उसी धर्म से आता हूं, तो लोगों की इच्छाएं थी काफी टाइमों से, जो कई वर्षों से विलंब था, कि राम मंदिर बने। उससे लोगों की भावनाएं जो है, वो आस्था जो है, उसका एक तरीके से माना जाए कि लोगों के प्रति उत्साह का प्रतीक है, लोग खुश हैं, ये अच्छी चीज है। सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं, तो इसका हमारी ना पार्टी ना हम लोग कोई बाइकॉट नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है कुछ लोग जानबूझकर इसको अपना राजनीतिक स्टंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि पूरे देश क्या वर्ल्ड वाइड अयोध्या को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ, तो हर नेता चाहता है कि वो इस समय मीडिया में। देखिए, हमारे देश में तो पार्टी है ही है, जैसे बीजेपी है वो हिंदू मुस्लिम करती है। यदि प्राण प्रतिष्ठा करना था तो अभी मंदिर का पूरा तो पूरी तरीके से मंदिर निर्माण हो नहीं पाया है, तो प्राण प्रतिष्ठा करना था तो ये प्राण प्रतिष्ठा तो चुनाव के बाद भी हो सकता था। लेकिन बीजेपी ने जो रखा है प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव का मुद्दा बनाना चाह रहे हिंदू मुस्लिम। कई नेताओं ने राम, प्रभु राम को ये कहा है कि वो मांसाहारी हैं, तो क्या उनका यह बयान सही है? देखिए, हमने कभी भी अभी तक इतिहास के किसी भी पन्ने पर यह नहीं पढ़ा है कि हमारे प्रभु श्री राम मांसाहारी थे। और दूसरे जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो हैं, निषाद समाज से आते हैं और हम भी निषाद समाज की पार्टी में ही जुड़े हुए हैं, तो श्री राम को पार लगाए थे हमारे केवट जी, केवट महाराज। तो आज हमारे नेताजी कहना है कि हमारी पार्टी की जो मांग है निषादों के आरक्षण, जो भी देगा वो पार लगेगा। पार्टी से हटकर बात करें तो जिस जाति से आप आते हैं, जाति के लोग कह रहे हैं कि हम कृष्ण के वंशज है, राम को नहीं मानते, तो इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, कृष्ण के वंशज है, राम को नहीं मानते हैं। हमारे पूर्वज तो कहते थे कि रघुवंशी यदुवंशी दोनों भाई थे। एक आदमी जैसे नौकरी करने लगा तो ज्यादा डेवलप हो गया, एक घर में खेती कर रहा है तो थोड़ा कम डेवलप हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जाति धर्म के लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं भगवान राम को। तो क्या, और हर जाति धर्म के लोगों को हम मानते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं। क्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो है वो VIP एक उत्सव के रूप में मनाएगी? देखिए, उत्सव के रूप में मनाएगी नहीं, तो हमारे पार्टी सुप्रीमो का निर्णय है। बाकी यदि न्योता मिला तो हमारे जो पार्टी सुप्रीमो में क्यों नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे भगवान के मंदिर में। जी उसमें हमको इनवाइट किया जाएगा, तो भगवान की मतलब कार्यक्रम है, उसमें हम जरूर जाएंगे। वो पॉलिटिकल लेवल से हटकी चीजें हैं। अब कुछ अयोध्या से हटके आपकी पार्टी किस तरीके से आगामी चुनाव की तैयारी कर चल रही है? हमारी पार्टी पूरे बिहार, झारखंड, पूर्वांचल, सॉरी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के एरिया और झारखंड पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी 60 सीटों लोकसभा सीटों पे पूर्णतः रूप से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम भी भ्रमण कर रहे हैं। अभी मैं पीछे, आप लोगों ने जब कॉल किया था तो मैं छपरा में था, छपरा से अभी दियर से मैं अभी आ रहा हूं, तो आप लोग इंटरव्यू दे रहा हूं। तो हम लोग मजबूती के साथ हैं, और हमारे नेताजी का कहना है कि जो हमारी मांगों को पूरा करता है या मानने के लिए तैयार है उसके साथ हमारा गठबंधन होगा। अब वो नेताजी के ऊपर निर्णय है कि किसके साथ होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि परिवार के मुखिया है, मुखिया जहां जाएंगे हम सभी लोग उसके मानने के लिए तैयार हैं। भोजपुर से विधानसभा में क्या आप लोग करने जा रहे हैं? अभी तो देखिए, ये निर्णय साहब के हाथ में है, अभी हमारे तक कोई बात आई नहीं है, जब आएगी तब आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा। बूथ लेवल तक क्या कुछ? हाँ, हमारी जो कमेटी है भोजपुर के अंदर 7 विधानसभा सीटों पे, बूथ कमेटी तक हमने गठित कर दिया है। हर पंचायत के पंचायत अध्यक्ष हमने गठित कर दिया है। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी दिन रात, और जो भी हमारे प्रदेश में जो जिला महासचिव वगैरह हैं सभी लोग लगे हुए हैं, उनके साथ में हम भी लगे हुए हैं। तो हर जगह हर पद पे हमारे यहाँ लोग तैनात हैं, यहाँ तक कि युवा उपाध्यक्ष नंदलाल जी हैं, यादव समाज से आते हैं, ये भी पार्टी से जुड़े हैं, और अधिक हर जाति वर्ग के लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं तेजी से।